दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल नव नूतन रसोई में स्वागत है। आज दोस्तों ये नीम का जो फूल होता है वो हम तोड़ रहे हैं और इसका सब्जी बनाएंगे हम बैंगन के साथ। अभी चैत का महीना है, अंग्रेजी का अप्रैल और हिंदी का चैत महीना। इस महीने में बोलते हैं बड़े बूढ़े कि नीम खाना चाहिए और ये नीम का फूल खाने से हमें बहुत अच्छा होता है। हमारे लिए साल भर के लिए बोलते हैं कि खुजली वगैरह नहीं होता है। इसलिए अगर यदि दोस्तों संभव हो आपके पास नीम का फूल तो ज़रूर चैत के महीने में, अप्रैल के महीने में खाइए। देखिए इतना तोड़ लिए हैं हम, ये तोड़ लेते हैं इतना। हम इसमें से एक मुट्ठी पूरा जितना होगा उतना तोड़ेंगे, आज हमें उतना ही डालना है, कल परसों के लिए रखेंगे हम, अभी इससे निकालेंगे नहीं, अभी इसको रहने देंगे इसी में। देखिए दोस्तों अभी फूल कितना है इसमें, यहाँ भी है। ये देखिए दोस्तों इतना हम तोड़ लिए हैं। ये नीम का फूल है, इसको हम बैंगन के साथ सब्जी में बनाएंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों पहले हम फूल को साफ कर लेते हैं। जैसे कि ये हमें सिर्फ फूल लेना है, ये डंटी है इसको हम निकाल देंगे। ये जो है सिर्फ फूल लेंगे और इसको हम निकाल देंगे। ऐसे ही सबको हम साफ कर लेंगे। सुखा के भी खा सकते हैं दोस्तों, अगर यदि आप चाहें कि हम साल भर में जब मन हो तब खाएं तो आप इसको अभी फूल तोड़ के सुखा के रख लें। फूल तो साल भर में अभी ही मिलेगा चैत के महीने में, यानी अप्रैल के महीने में। ये कुछ फूल मैं तोड़ के रख लूंगी सुखा के। ऐसे ही मैं सबको साफ कर लूंगी। अभी देखिए दोस्तों हम इसको साफ कर लिए हैं, ये निकाल दिए इससे, ये है। अब इसका सब्जी बनने वाला है, इसको धो लेंगे अच्छे से साफ से, फिर हम बनाएंगे इसका सब्जी आज। दोस्तों पहले हम धो लेते हैं फूल को। देखिए दोस्तों ये फूल का जो पराग बोलते हैं, फूल के ऊपर जो होता है ये निकल रहा है, ये इसको हम धो लेते हैं एक साफ पानी से। जो ऊपर का फूल है वो आ गया, नीचे वाला छोड़ दिए हम, इसमें और पानी डाल के धो लेंगे। दोस्तों हम ऐसे ही रहने देंगे, पानी निकल जाएगा इससे। दोस्तों फूल को धो लिए हैं, अब हम यहाँ पे बैंगन को काट लेंगे। दोस्तों आप अपने हिसाब से बैंगन जैसा पीस बनाना चाहते हैं आप उस हिसाब से काट लीजिए। बैंगन काटने के बाद हम पानी में रखते हैं, अगर यदि हम पानी में नहीं रखेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। दोस्तों आज जो मेरा सब्जी बनने वाला है बैंगन का नीम का फूल वाला, उसमें से हम डालेंगे आज इसमें तड़का के लिए ये जीरा, ये हरी मिर्ची, नमक, हल्दी, बैंगन और ये नीम का फूल, और तड़का के लिए कुकिंग ऑयल।
अब हमारा कढ़ाई हो गया है गरम, हम डाल रहे हैं उसमें अब तेल। दोस्तों कढ़ाई गरम हो गया है, हम उसमें डाल रहे हैं कुकिंग ऑयल। आप जो भी तेल खाना पसंद करते हैं वो डालिए। अब यहाँ डालेंगे, तेल गरम है, इसमें डालेंगे जीरा का तड़का लगाएंगे। जीरा को चटकने देंगे। जीरा का कलर चेंज हो गया हल्का, जलने नहीं देना है। अब इसमें डालेंगे हम हरी मिर्ची, फिर डालेंगे बैंगन, हल्दी, नमक। दोस्तों अब इसको हम चला देंगे और ढक के पकने देंगे कुछ देर के लिए। अब इसको हम ढक देते हैं। दोस्तों बीच बीच में पलटना है मुझे इसे, ताकि सब्जी जले नहीं। और दोस्तों मेरा बैंगन फ्राई हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम ये नीम वाला फूल। फ्लेम पे थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ताकि ये मेरा फ्राई हो जाए। बैंगन तो फ्राई हो चुका है। दोस्तों बैंगन तो फ्राई हो चुका है, अब थोड़ा सा फूल को फ्राई होना है, नीम वाला फूल। दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है ये। ये मेरा अब तैयार हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। देखिए गैस ऑफ कर देते हैं अब। दोस्तों ये नीम का फूल वाला सब्जी तैयार हो गया बिल्कुल सर्व करने के लिए। दोस्तों अगर यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों जाते जाते बेल आइकन को क्लिक जरूर कर दें, उससे होगा जो भी वीडियो डालूंगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। दोस्तों इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए रेसिपी के साथ जल्द मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।